हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली के पत्ते के पकौड़े। पत्ता गोभी प्याज के पकौड़े तो सभी लोग खाया होगा। एक बार मूली के पत्तों के पकौड़े बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। जनरली हम लोग मूली को खा लेते हैं और पत्तों को फेंक देते हैं, और मूली से ज्यादा मूली के पत्तों में विटामिन्स होते हैं। एकदम सॉफ्ट पत्तों वाला मूली को लीजिए और पीछे का जो मोटा वाला डंटल वाला पार्ट है उसको हटा दीजिए और सिर्फ पत्ता पत्ता ले लीजिए। चाहे एकदम सॉफ्ट डंटल वाला है उसको आप रख लीजिए। तो देखिए, इस तरह से सारा पत्तों को हमने तोड़कर ले लिया है। अब इन पत्तों को अच्छे से पानी में हम धो लेंगे और उसके बाद बारीक बारीक एकदम चॉप कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने चॉप करके ले लिया है। इसके साथ ही एक बड़े साइज के प्याज को लंबा लंबा काट कर लिया है और खूब सारे हरी मिर्ची को लिया है। आप प्याज खाते हैं तो ऐड जरूर कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लहसुन को हमने बारीक चॉप करके लिया है और खूब सारा हरा धनिया इसमें ऐड किए हैं। इसके साथ ही कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे अजवाइन ऐड करेंगे और थोड़ा सा तीखे वाले लाल मिर्च डालेंगे। और इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस अच्छे से बाइंडिंग आ जाए, नहीं तो बनाने जाएंगे मूली के पत्ते के पकौड़े बन जाएंगे बेसन के पकौड़े। इसके साथ ही ऐड करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, इससे पकौड़े कुरकुरे बनेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को बिना पानी डाले ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मूली के पत्तों में बहुत पानी होते हैं और नमक डालने से ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए शुरू में इसमें पानी ऐड ना करें, जरूरत पड़े तो ही 1/2 चम्मच पानी ऐड करें। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, जब पकौड़े बनाने हो तभी इसको मिलाएं, नहीं तो इसको ज़्यादा देर रखने से ये थोड़ा ज़्यादा ही पानी छोड़ देता है। हमको यहाँ पे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था तो थोड़ा सा हमने 1 चम्मच बेसन ऐड किया है और यहाँ पे 1 चम्मच जैसा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद देखिए, इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन में लेके हम पकौड़े बनाएंगे। इधर हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और ऑयल को मीडियम गर्म कर लिए हैं। अब पकौड़े को थोड़ा थोड़ा पोर्शन में लेके इस तरह से डाल देंगे, जितना आट पाएगा उतना डाल देंगे और उसके बाद तुरंत इसको नहीं चलाएंगे, 1 मिनट इसको पकने देंगे। तो देखिए, 1 से 1.5 मिनट में पकौड़े अपने शेप ले लिया है। उसके बाद चम्मच से इसे उलट पुलट लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम में उलटते पुलटते गोल्डन कर लेंगे। एक बार इस तरह से मूली के पत्तों की पकौड़े जरूर बनाएं। एक बार बनाएंगे फ्रेंड्स तो आप नेक्स्ट टाइम से मूली के पत्तों को फेंकेंगे नहीं, जरूर पकौड़े बना के खाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से बातों ही बातों में गोल्डन क्रिस्पी हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए, पकौड़ों को हमने एक टिश्यू पेपर रख के एक प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए, पकौड़े कितने गोल्डन और क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बैच के पकौड़े भी हम डाल देंगे और गोल्डन क्रिस्पी होने तक तल के निकाल लेंगे। बरसात का मौसम है और पकौड़े तो सभी घरों में बनती है, तो एक बार इस तरह से मूली के पत्तों की पकौड़े बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स, एक बार बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम से मूली के पत्तों को फेंकेंगे नहीं, आप इस तरह से पकौड़े बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो देखिए, बातों ही बातों में मूली के पत्तों के पकौड़े बनके तैयार है। शाम को टाइम में इसे चाय के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मूली के पत्तों के पकौड़े की रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।